हम लोगों को सूचना प्राप्त हुई थी कि शेखोपुर गांव के मथुरापुर उपी क्षेत्र के अंतर्गत शेखोपुर गांव में कुछ अवैध हथियारों का कार्य हो रहा है। सूचना के सत्यापन के लिए डीएसपी हेडक्वार्टर के नेतृत्व में डीआईयू से इंस्पेक्टर विक्रम, इंस्पेक्टर मुकेश, एसएचओ कल्याणपुर गौतम, एसएचओ टाउन कौरी और एसएचओ मथुरापुर खुशबुद्दीन, इन सब के नेतृत्व में एक टीम बनाई गई थी। ये टीम लगातार कार्य कर रही थी और पिछले 3-4 दिन में इसमें अलग अलग सूचनाएँ मिली। टीम ने अलग अलग जगह लोगों को सस्पेक्ट को उठाया, पूछताछ की, उसके सत्यापन किया और जब पूरी कार्रवाई हुई तो हम लोगों को 5 अपराधी इसमें पता चले और 5 अपराधियों के पास से 3 पिस्तौल, 1 देसी कट्टा, 13 जिंदा कारतूस और 4 एक्स्ट्रा मैगजीन इनके पास से बरामद हुई हैं। ये 5 अपराधी शेखोपुर में जो आपराधिक गिरोह चलता है, अपराधियों का एक नेटवर्क चलता है, पुराना नेटवर्क है, उसकी तलाश में भी हम लोग लगे हुए हैं। उन्हीं अपराधियों से लिंकअप इन लोगों का है। इसमें मेन व्यक्ति है मोहम्मद इस्लाम। ये पहले भी हथियारों की खरीद बिक्री करता था और हथियारों की खरीद बिक्री करने के क्रम में ही ये जेल भी गया है। जेल से वापस आने के बाद बाजार समिति के पास एक व्यक्ति से हथियारों की डीलिंग कर रहा था, अवैध पिस्टल सप्लाई करने की डीलिंग कर रहा था। उसी दौरान हम लोगों को जब सूचना मिली तो बाजार समिति के मेन आर्ट दुकान पर छापेमारी की गई और इसको पकड़ा गया। इससे जब पूछताछ हुई तो इस्लाम ने अपने अन्य साथियों का नाम बताया और जिस जिसको उसने पिस्टल बेची थी उसका नाम भी बताया। उसके बताए हुए नाम के अनुसार गुलाब सिंह विवेक कुमार उर्फ गुलाब सिंह शेखोपुर, इसके घर परेड हुई। और जब इसके घर परेड हुई तो ये अपने तीन दोस्तों के साथ वहाँ पर था, जो कि आदित्य राज उर्फ छोटू उर्फ छपरिया और अंकेश कुमार सिंह उर्फ पहाड़िया। तो मोहम्मद इस्लाम के बताए सूचना पर गुलाब सिंह के घर छापेमारी हुई तो गुलाब सिंह, आदित्य राज उर्फ छपरिया और अंकेश कुमार उर्फ पहाड़िया और मनीष कुमार जो कि चकमसी थाना का रहने वाला, ये लोग वहाँ थे और इनके पास हथियार मिला। हथियार को सीज किया गया है। कुल बरामदगी हम लोगों की 3 पिस्टल, 1 देसी कट्टा और 13 जिंदा कारतूस है। इन लोगों को गिरफ्तार करके आज जेल भेजा जा रहा है और इनका शेखोपुर के जिस ग्रोह से लिंकअप है उस ग्रोह के बारे में भी बहुत महत्वपूर्ण जानकारी हम लोगों को मिली है और उस पर आगे कार्य किया जाएगा। आपराधिक इतिहास यही लोग हैं। हाँ, इसमें मोहम्मद इस्लाम है जिसका आपराधिक इतिहास पाया गया है, बाकी सबका भी निकाला जाएगा। पूर्व में भी लोग जेल जाते हैं? पूर्व में लोग हथियारों में ही मोहम्मद इस्लाम जेल गया है और अन्य व्यक्तियों का हम लोग आपराधिक इतिहास तलाश रहे हैं, लेकिन जो कुछ कुख्यात अपराधी हैं उनसे इन सभी का लिंकअप है। और ये हथियार भी इन लोगों के, ये लोग सिर्फ हथियार खरीदने बेचने का कारोबार करते थे लेकिन आपराधिक घटनाओं को अंजाम देने में जो आपराधिक गैंग है उससे ये लोग मिले हुए हैं और उसको ये लोग उपलब्ध कराते थे। उसकी हम लोग अभी और इंक्वायरी चल रही है, आगे छापेमारी भी जारी है, ये केस अभी आगे चलेगा। सर, ये लोग कहाँ से हथियार लाते? इन लोगों का जो हथियार का सप्लाई चेन है वो भी बहुत स्पष्ट नहीं हो पाया है, क्योंकि एक दो कड़ियाँ इसमें जुड़नी बाकी हैं। जब कंप्लीट करियां जुट जाएंगी तो पूरा इनका फॉरवर्ड बैकवर्ड लिंक क्लियर होगा। सर, इनके गिरोह का सरगना जो है वो समस्तीपुर का ही है या कहीं बाहर? समस्तीपुर का ही। थैंक यू सर।